हम इसी को डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली क्रिटोकोनस सॉरी क्रिटोमीटर जो है वो इसी फर्स्ट टू कंटिन्यूस इमेजेस को परसीव करके इसी के बेस पे क्या बनाते हैं, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैलकुलेशन करते हैं. बेस ऑन एस्फेरिक कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यूजुअली हम कॉर्निया को कंसिडर करते हैं कि दिस इज समथिंग अ कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पे जो इमेज बनता है इसको हम परसीव करते हैं, और फिर डिफरेंट एंगल से उसको टेलीस्कोप से दिया जा देखा जा सकता है. ठीक है, और देखने के बाद जो है उसकी पावर की कैलकुलेशन हम करके और एक खास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम इसमें पुट करके उससे हमें क्या बनाते हैं, उससे हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और कर्वेचर जो है वो कर्वेचर हम इससे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन है लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाना. हम बेसिकली जो आज का टॉपिक है कॉर्निया टोपोग्राफी, हम बेसिकली कॉर्निया टोपोग्राफी की तरफ ही जाएंगे. ठीक है, ठीक, ये दो फार्मूला है जिस फार्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक, ये जब भी आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपने कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखना है 1.3375 इज्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया. अगर आपने फार्मूले में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखा फिर आपके पास आंसर गलत आएगा. ठीक है, तो आप कर ले. अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3375, एयर से लाइट रेज आ रही है तो 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर. ठीक है, आप उसमें कैलकुलेट करें, जो आंसर आएगा वो कॉर्निया पावर होगा. अच्छा, आपने क्रिटोमेट्रिक रीडिंग भी पढ़ा होगा कि क्रिटोमीटर जो है वो एक साइड पर, अगर आपने क्रिटोमीटर देखा तो एक साइड पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हो गया, दूसरी साइड पे उसकी पावर लिखा हुआ है. एक साइड पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इंक्रीज हो रहे तो दूसरी साइड पे उसका पावर डिक्रीज हो गया, बिकॉज अपोजिट रिलेशनशिप है ना. तो आप क्रिटोमीटर नब देखे ना तो एक साइड पे लेट्स सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर 6.5 7.5 ऐसे लिखा हुआ है तो उसका पावर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे उसका पावर डिक्रीज होगा, बिकॉज अपोजिट रिलेशनशिप है. क्रिटोमीटर में आप देखेंगे तो हम कम से कम जो पावर है वो 36 तक मेजर कर सकते हैं अडैप्टर पावर, और मैक्सिमम 52 तक. इस तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हम 6.5 मिलीमीटर तक कर सकते हैं अगर कोई हाई एडवांस क्रिटोकोनस केस हो जिसमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 6.5 से भी कम हो, वो भी हम क्रिटोमीट्रिक रीडिंग से नहीं कर सकते, और मैक्सिमम जो है वो 9.38 मिलीमीटर हम उसमें मेजर कर सकते हैं. बट यू नो दिस इज योर यूजुअल क्रिटोमीटर रीडिंग. ठीक है, लेकिन आप इस क्रिटोमीटर रीडिंग को इंक्रीज मतलब मिनिमम भी कर सकते हैं कि यार मुझे 30 से भी कम वैल्यू ये रिकॉर्ड करे, ये मुझे मेजर करे, कर सकता है अबाउट 30 तक. ठीक है, इट मीन के वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इवन 6.5.6 तक भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ फिर -1 लेंस लगाएंगे तब. यू नो -1 लेंस हम क्यों लगाते हैं? देखिए, एक सरफेस जितना मोर कर्व होता है पावर उस सरफेस का बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, उस पे जो पावर बनेगा ना वहां पे पावर जो वहां पे बनते हैं तो वो जो मायर्स बनते हैं वो मायर्स बहुत छोटे होते हैं जो कि फिर आपके क्रिटोमेट्रिक मायर्स रेंज से बाहर होते हैं. तो फिर इसके लिए हम प्लस लेंस इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा सा उस इमेजेस को मैग्निफाई करके विद इन क्रिटोमेट्रिक रीडिंग में ले आए. और इस तरह से अगर हम फ्लैट सरफेस की बात करें तो वो इमेज इतना लार्ज होता है, मायर्स इतनी लार्ज बनते हैं कि वो विद इन क्रिटोमेट्रिक रेंज में नहीं आता, तो हम माइनस इसलिए कहते हैं तो थोड़ा सा मैग्निफाई करके उस रेंज में ले आए. ये बेसिक कंसेप्ट है. लेकिन आप ये याद होना चाहिए कि अगर हम क्रिटोमीटर रीडिंग जो है वो यूजुअली 36 है, लेकिन हम क्रिटोमीटर आपको क्रिटोमीटर 30 तक भी दे सकता है इफ यू यूज द -1 लेंस विद क्रिटोमीटर कैप, उसके जो फ्रंट पे आप लेंस लगाए. ठीक है, और आप 52 से भी ज्यादा रीडिंग ले सकते हैं, इवन 61 तक, बट इफ यू यूज द +1 पॉइंट. ये भी आप लोग शायद इस लेक्चर में पढ़ा होगा, मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा. ठीक है, अच्छा मैं जस्ट उस पे आ रहा हूँ कि क्रिटोमीटर की क्लिनिकल क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम क्रिटोमीटर यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ दिस थिंग यू ऑलरेडी नो. सबसे पहले ये वो ऑब्जेक्टिव मेथड है जिससे हम कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया को मेजर करते हैं, यू नो वेल.
Another thing, amount and direction of corneal astigmatism, basically very important thing. मैंने आपको refraction के lecture में भी पढ़ाया था कि usually हम corneal astigmatism कहाँ से measure करते हैं? आप retinoscope से, auto refractometer से, तो हम total refraction जो है वो measure करते हैं. But आप अगर specifically corneal astigmatism, corneal refraction जो है वो measure करना चाहते हैं, उसकी cylinder कितना है, उसकी direction क्या है, orientation क्या है, axis क्या है, तो वो आप क्रिटोमीटर से कर सकते हैं. एंड आल्सो हम बायोमेट्री में यूज करते हैं जो आईवेल पावर कैलकुलेशन में, शायद ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक्सिल लेंथ से माइनस करेंगे ए कांस्टेंट जो है, और फिर ये एक्सिल लेंथ वगैरह और ये क्रिटोमीटर रीडिंग, ये पता है ना, ठीक है, बायोमेट्री में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. जी सर पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमें ये के रीडिंग चाहिए. के रीडिंग के बगैर हम बायोमेट्री नहीं कर सकते. यूजुअली आजकल तो हम के रीडिंग लेते हैं और एक एस स्कैन मशीन में वो डालकर एस स्कैन करते हैं, डायरेक्टली आई विल पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बट आप मैन्युअली फार्मूले से भी कर सकते हैं. दिस इज द अहम थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्री एंड पोस्ट सर्जिकल एस्टिगमेटिज्म. आप बिफोर सर्जरी देखें एस्टिगमेटिज्म कितना है, पोस्ट सर्जिकल एस्टिगमेटिज्म देखें. यूजुअली देखें कॉर्नियल एस्टिगमेटिज्म जो है वो कॉर्निया में कोई भी सर्जरी आते ना, आजकल तो खैर पैको सर्जरी आए हुए है जिसमें इतना सूचर वगैरह की जरूरत नहीं है, बट पहले जब हम सूचर लगाते हैं, आज भी कई इलाकों पे एक्स्ट्रा कैप लगाते हैं, मतलब हार्ड लेंस लगाते हैं, उसके लिए पेको नहीं करते, ठीक है, तो उस केस में वो सब समटाइम सूचर लगाते हैं. वो सूचर जो है कॉर्निया में एस्टिगमेटिज्म काफी इंड्यूस करता है, ठीक है, सर्जिकल इंड्यूस एस्टिगमेटिज्म या डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो कॉर्निया की शेप जो है वो चेंज करता है, या अगर हम केराटोप्लास्टिक पेशेंट में करते हैं तो उसके बाद काफी ज्यादा एस्टिगमेटिज्म आता है. तो प्री एंड पोस्ट सर्जिकल एस्टिगमेटिज्म को हम कंपेयर करते हैं कि सर्जरी के बाद कितना एस्टिगमेटिज्म आया कॉर्निया की वजह से, तो उसके लिए हम करते हैं. और अहम चीज जो है वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्सिल वर्सेस रिफ्रैक्टिव एनिसोमेट्रोपिया. अगर किसी पेशेंट में एनिसोमेट्रोपिया है तो आप एनिसोमेट्रोपिया हो सकता है ड्यू टू सम एक्सिल लेंथ कंपोनेंट शामिल हो, या एक आई के एक्सिल लेंथ कम दूसरे का ज्यादा, जिसकी वजह से पावर आपको पता है कि 1 मिलीमीटर एक्सिल लेंथ जो है 3 डायोप्टर को चेंज कर सकता है. लेकिन कॉर्निया में अगर हम 1 मिलीमीटर तक भी चेंज करें रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो 6 डायोप्टर तक चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू व्हाई कॉर्निया की हाई पावर है. मोस्ट 75% पावर जो है आई बाल का वो कॉर्निया की वजह से है, तो उसमें माइल्ड चेंज भी लॉट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो एनिसोमेट्रोपिया आपने देखना होगा कि एनिसोमेट्रोपिया जो है ये रिफ्रैक्टिव वजह से है, मतलब कॉर्निया की वजह से है, या कोई एक्सेल की वजह से है. अगर उसमें दोनों में कॉर्निया देख के कॉर्निया के रिफ्रैक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों आई में कॉर्निया के रिफ्रैक्शन में फर्क नहीं है, दैट मीन दिस इज मोस्टली ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम, या तो एक्सिल लेंथ या लेंटिकुलर कॉज हो सकता है. हम चीज जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, कि डायग्नोसिस नीट ऑफ केराटोकोनस अदर कॉर्निया डिजीज. कॉर्निया डिजीज या केराटोकोनस के लिए तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं. और लास्ट में अब यू नो आजकल आप पढ़ रहे कॉन्टैक्ट लेंस, तो कॉन्टैक्ट लेंस के फिटिंग जो है उसकी बेस का सिलेक्शन जो है वो हम इसी ही टोटली के रीडिंग पे कर रहे हैं, ठीक. ये तो बेसिक खुलासा था जो हमने डिस्कस किया. क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ड्यूरिंग केराटोमेट्री मेजरमेंट आपको, ठीक है. मेजर सबसे पहले अहम चीज ये है कि हम केराटोमीटर क्यों हमें ज्यादा, अगर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ चले जाते हैं या हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पे हमारे लिए केराटोमीटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा. क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि केराटोमीटर जो है वो यूजुअली सेंट्रल जोन जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. देखिए सिर्फ ओनली सेंट्रल 3 या 3.2 मिलीमीटर एरिया जो है उसको मेजर करते हैं, वहां पे मैच बना वहां से हमें इंफॉर्मेशन दे रहे, बट ये कोई पेरिफेरी की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे डिजीज में हमारे लिए पेरिफेरी इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है. जैसे टेल्स डिजनरेशन है या पीएमडी है, उसमें पेरिफेरी कॉर्निया जो है वो यूजुअली इन्वॉल्व होता है, तो ये इस तरह इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, ओनली सेंट्रल इंफॉर्मेशन दे रहे. एक अदर थिंग, द सेकंड थिंग ये है कि जो कॉर्नियल एपिथेलियम रेगुलरिटी रेटिनल डिफोकसिंग, अगर कोई भी कॉर्नियल एपिथेलियम ओपेसिटी है या उसके सरफेस की एब्रेजन है या कोई स्कार वगैरह बन चुका है या सम टाइम ड्राइनेस की वजह से, तो उन कंडीशन में जो मायर्स है वो फोकस नहीं होते, क्योंकि मायर जो है केराटोमीटर क्या यूज करता है, ये फर्स्ट कॉन्शियस इमेज जो कि रिफ्लेक्शन से बनता है, और रिफ्लेक्शन से वो मायर तब होगा जब कॉर्निया एपिथेलियम ठीक होगा और उससे प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो. तो वहां पे कोई भी एडिम आ जाए, वहां पे कोई भी पैथोलॉजी आ जाए, ठीक है, वो फिर वो मायर सही तरीके से फोकस नहीं कर रहा, तो एक रीजन वहां पे है. सेकंड थिंग, अगर वेरी स्टीप कॉर्निया जो कि एडवांस केराटोकोनस में है, तो उसमें रीडिंग जो है उसके रेंज से बाहर है, वो भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा.
और पोस्ट इफेक्टिव सर्जरी रीडिंग आर इनएक्यूरेट। अगर हम सर्जरी के बाद जो पोस्ट इफेक्टिव केसेस में हम करते हैं तो उसकी रीडिंग जो यूजुअली हमें दे रहे हैं वो इनएक्यूरेट दे रहे हैं, लेकिन अगर स्पेशली लेजर के बाद अगर आप देखें ना तो उसके बाद भी आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। सो क्रिटोमेट्री लिमिटेशन सर पोस्ट सर्जरी क्यों इनएक्यूरेट है? क्या जी सर पोस्ट सर्जिकल वैल्यूज क्यों इनएक्यूरेट होती हैं? देखिए ना वो लेट सपोज अगर मैं आपको क्यों यार किसी ने लेजर किया मायोपिया के लिए तो वहां तो हम सेंट्रल कॉर्निया को फ्लैट करते हैं, सेंट्रल एरिया को फ्लैट करते हैं, ये सेंट्रल एरिया की जोन लेता है तो ये तो आपको सेंटर देगी यार कॉर्निया जो है तो वो फ्लैट है, बट यूजुअली रियलिटी में नहीं हो तो सर्जिकली हमने उस छोटे से एरिया को फ्लैट किया था, बाकी तो परमिशन हमें नहीं दे रहा, हमें टोटल परमिशन चाहिए। ठीक है ठीक है सर। अच्छा फिर यहाँ पे उसकी कोई लिमिटेशन भी है, उसकी अजम्पशन भी है। कैलकुलेशन और बेस ऑन ज्योमेट्रिक एस्पेरिक रिफ्लेक्टिव, देखिए हमने क्रिटोमीटर का अजम्पशन इस बेस पे किया, कैलकुलेशन इस पे करें कि कॉर्निया का सरफेस जो है वो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बट की रियलिटी में कॉर्निया क्या है, दिस इज प्रोलैट स्ट्रक्चर एंड नॉट अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो ये भी एक उसमें लिमिटेशन है, बस हमने एज्यूम क्या है, हम सेंट्रल रीडिंग ले रहे हैं ना तो सेंट्रल रीडिंग के लिए हमने पूरा लिया कि बस कॉर्निया जो है ये एक स्फेरिकल सरफेस भी है और साथ में रिफ्लेक्टिंग, जो कि कॉर्निया सरफेस इज बेसिकली मोर रिफ्रैक्टिव और सेकंड थिंग दिस इज नॉट स्फेरिकल सरफेस। द सेकंड थिंग ये है कि हमने क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन फोर पॉइंट विद इन द सेंट्रल, ये तो हमने पहले भी बताया था कि हम सेंट्रल जोन ही को यूज करते हैं जो कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन बाकी नहीं ले रहा। ठीक है और इसमें जो हमने रिफ्रैक्शन इज्यूम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यूज किया है क्योंकि 1.3375 है, क्योंकि यूजुअली कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 समथिंग है, लेकिन ये हमने इज्यूम किया है फार्मूले के कैलकुलेशन के लिए। एनीहाउ आरबी से जो स्टार्ट हो रहे केराटोस्कोपी, ठीक है सो इसलिए मैंने केराटोमीटर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि केराटोमीटर जो है वो सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी से हम अपनी तरफ आ रहे जो हमारे बेसिक टॉपिक है कॉर्निया टोपोग्राफी, सो अभी से हम स्टार्ट करते हैं केराटोस्कोपी। You know kerato mean cornioscopy means something to see the cornea and something to examine the cornea. So keratoscope actually kya hai? Instrument that project multiple concentric rings on the cornea. So what is a keratoscope? Keratoscope ek wo instrument hai jo ki ek circular ring mein bana hua hai. Jaise usko hum cornea ke samne karte na to jitni bhi rings hai wo sare rings ki light jo hai wo jaakar cornea ke upar padti hai. Aur fir hum kya karte hain? हम डायरेक्टली वहां पे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द रिंग, हम डायरेक्टली अपने नेकेड आई से उसको विजुअलाइज करते हैं कि ये जो मायर्स कॉर्निया के ऊपर बन चुके हैं इसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है तो सिंपल जो प्लेसिडो डेस्क है वो केराटोस्कोप है, प्लेसिडो डेस्क जो है वो केराटोस्कोप का एग्जाम्पल है। प्लेसिडो डेस्क आपने ऑन किया, उसमें सेंटर पर कुछ जो है उसमें लाइट भी है, कुछ जो है वो लाइट यूज नहीं करता, बस आपने ऐसे लाइट लगाना है कि वो लाइट उससे जो सेंट्रल ऐसे रिंग्स बने हुए हैं कि उन रिंग्स से थोड़ा सा लाइट चला जाए कॉर्निया के ऊपर, वो भी रिंग बनाए और सेंटर एपर्चर होता है, उसी एपर्चर में आपने रिंग्स को देखना है कि रिंग्स क्या रेगुलर है या इररेगुलर है या सही तरीके से बने कि नहीं बने। ठीक है लेकिन अगर आप व्हेन स्टिल कैमरा इज एडेड टू फोटोग्राफ द माइस, अगर आपने उसके साथ कैमरा लगाया जिसने उस पिक्चर को कैप्चर कर दिया, किसकी इमेज को कैप्चर किया, वो जो केराटोस्कोप के जो इमेजेस हैं अगर वो इमेजेस आप कैमरे के जरिए से कैप्चर करें तो हम वो हमारे पास हो गया फोटो केराटोस्कोप फॉर सिंपल। ठीक है लेकिन अगर आपने उसके साथ वीडियो कैमरा जो है वो ऐड किया जो कि एक लिविंग सब्जेक्ट का क्या करे उसकी पूरी वीडियो बनाए उस रिंग स्ट्रक्चर का जो रिंग बनते हैं सारी चीजों का और फर्दर एनालिसिस चीजों के लिए तो फिर हम कहते हैं वीडियो केराटोस्कोप फॉर सिंपल। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ केराटोस्कोप, क्यों हमें केराटोस्कोप की जरूरत है? सो मोस्ट कॉर्निया एस्फेरिक फ्लैटनिंग प्रेफरी, ओके केराटोस्कोप सिंपल अ लार्ज एरिया ऑफ द कॉर्निया सरफेस कैन असिस्ट एस्पेरिसिटी एंड अदर सरफेस वेरिएशन। देखिए केराटोमीटर ओनली सेंट्रल एरिया का रीडिंग आपको दे रहा था लेकिन पेरिफेरी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो इसके लिए हमें केराटोस्कोप इसलिए चाहिए क्योंकि ये लार्ज एरिया का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, मोर देन 70-80% एरिया का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ठीक है जो कि कॉर्निया की स्पेसिटी के हमें भी बता रहा है कि कॉर्निया की स्पेसिटी क्या है पेरिफेरी पे और अदर जो वेरिएशन है अदर कोई चेंजेस है तो वो भी हम आसानी से केराटोस्कोपी में देख सकते हैं जो कि केराटोमीटर हमें नहीं बता रहा।
ये कुछ हिस्ट्री आप पढ़ लेके जो 1870 में द फर्स्ट क्लिनिकल यूज ऑफ प्लेसिडो डिस्क, ठीक है, और कैसे आया था, स्टडी द कॉर्नियल सर्फेस बाय ऑब्जर्विंग द शेप ऑफ कंसेंट्रिक रिंग रिफ्लेक्टेड ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। देखिए कितने ओल्ड लोग जो है बहुत टैलेंटेड होते थे कि इस वक्त में भी वो प्लेसिडो डिस्क को यूज करते थे, किस लिए यूज करते हैं कि कॉर्निया के सर्फेस को ऑब्जर्व करें, उसके शेप को ऑब्जर्व, कौन से जो रिंग बनते हैं ना उस रिंग को ऑब्जर्व करते थे। तो अगर कॉर्निया स्फेरिकल है, कोई एस्टिगमेटिज्म नहीं, तो वो रिंग भी सर्कुलर होगा। लेकिन इसमें कोई भी एस्टिगमेटिज्म है, एक मेरिडियन में पावर कम दूसरे में ज्यादा, जिस मेरिडियन में पावर ज्यादा होगा तो वहां पर रिंग बहुत क्लोज क्लोज एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। सो ओवल शेप स्ट्रक्चर बनता, देखिए उस जमाने में जो लोग जो है वो प्लेसिडो डिस्क यूज करते हैं कॉर्नियल सर्फेस को एग्जामिन करने के लिए। फिर जो है 1880 में क्या है कि उसके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग द इमेज फोटोग्राफिकली, फिर 1880 में जो है कैमरा साथ ऐड करके उसी इमेज और सारी इंफॉर्मेशन को एक फोटोग्राफी के इमेज के फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। और फिर जो है गोल्डस्टैंड ने जो है फोटो क्रोटोस्कोप डेवलप किया, ठीक है। अब देखिए दिस इज द प्लेसिडो डिस्क, ये है प्लेसिडो डिस्क, ठीक है। ये ऐसा कंसेंट्रिक रिंग होते हैं, सेंट्रल एपर्चर होते हैं, समटाइम यहाँ पे कोई लेंस भी लगा होते हैं, ठीक है, जस्ट टू मैग्निफाई द इमेज, ठीक। और ये इसका हैंडल होते हैं। सो क्या करते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो इसी पैटर्न को देखते हैं रिफ्लेक्टर में, कॉर्निया ये यहाँ से देखिए लाइट पास हो रही है ना, जो वाइट वाइट एरिया है यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से लाइट पास हो रही है। तो यहाँ से लाइट पास होगा तो वो भी इसी ही मतलब इसी का तस्वीर जो है, इमेज जो है वो कॉर्निया के ऊपर बन जाएगा ऐसे सर्कुलर। आपने इस सेंटर जो है इस एरिया से आपने इससे वो ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे लेंस भी इसलिए लगाया है कि थोड़ा सा इमेज जो है मैग्निफाई हो जाए। सो अगर कॉर्निया स्फेरिकल है तो सारे स्ट्रक्चर स्फेरिकल मायर, बट दिस इज वेरी क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी बता रहे हैं कॉर्निया स्फेरिकल एस्फेरिकल कॉर्निया इज एस्टिग्मेटिक और नॉर्मल, बाकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा कि कितनी डिग्री तक है, वो इन्फॉर्मेशन यह हमें नहीं दे रहा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इमेज फॉर्म ऑफ प्लेसिडो डिस्क आप देखिए ना, देखिए ये है प्लेसिडो डिस्क, लेट्स सपोज दिस इज कॉर्निया। अब देखिए आपने अगर आपके पास ऐसे कोई कॉन्फ़िगरेशन आ रहे तो ये क्या बता रहे हैं कि इस साइड पे देखिए यहाँ पे मायर्स देखे तो एक दूसरे से बहुत दूर है, और यहाँ पे मायर्स देखे तो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है। जरा एक चीज याद रखें, अगर मायर्स की डिस्टेंस ज्यादा है एक दूसरे से तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्निया थोड़ा सा फ्लैट है, फ्लैट मीन कि यहाँ पे पावर उसका कम है, और जहां पे ये रिंग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्निया स्टीप है, और अनदर थिंग यहाँ पे पावर ज्यादा है। देखिए बहुत सिंपल टेस्ट है बट कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर जो है, जब भी सर्जन सूचर लगाते हैं तो प्लेसिडो डिस्क साथ में यूज करता है, यार मैंने जो सूचर लगाया इसने कोई कॉर्निया एस्टिगमेटिज्म तो ज्यादा नहीं कर दिया, अगर ऐसा पैटर्न उनको मिलता है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि यहाँ से जो सूचर वगैरह लगाए उसने कॉर्निया को मजीद क्या किया हुआ है, फ्लैट किया हुआ है, समझ आ रही है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है प्लेसिडो डिस्क। तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, या आप ये बता रहे कि इस साइड पे देखिए, इन्फीरियर साइड पे देखें तो इन्फीरियर साइड पे कॉर्निया स्टीप, जैसे अगर मैं ये तो एक एग्जांपल है लेकिन मैं अगर क्रिटोकोनस में अक्सर जो कोन नीचे डिस्प्ले होता है तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपको भी ऐसा पैटर्न मिलेगा कि इन्फीरियर साइड पे पावर भी ज्यादा होगा, कोन थोड़ा सा स्टीप भी ज्यादा है, तो वहां पे मायर जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज मिलेगा आपको, ठीक है, और पावर भी वहां पे ज्यादा है। दूसरी साइड पे देखें तो कॉर्निया फ्लैट है तो ये दूसरे से दूर दूर होगा। देखिए दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, ये अगर इस पे बन जाए, अगर कोई कॉर्निया जो है वो स्फेरिकल है तो उसमें ये मायर्स भी एग्जैक्टली ऐसा बनेगा, लेकिन अगर कोई सरफेस इररेगुलर है, कोई सरफेस इररेगुलर है तो मायर्स ऐसा बनेगा। ऐसे जब मायर्स बनेगा ना, इट मीन देयर इज सम सरफेस इररेगुलरिटी, कुछ सम टाइम ड्राइज आई भी ऐसा करते हैं, उसके कहते हैं ब्लैंक करते हैं, ब्लैंक के बाद वो गियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो फिर मायर्स सम टाइम क्लियर होता है, बट एनी हाउ जब सरफेस कोई भी एब्रेजन होता है सरफेस इररेगुलरिटी जिसमें मायर्स आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि सेम मायर्स आपको क्रिटोमीटर में आप देखें, क्रिटोमीटर में भी अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ द मायर्स आपको मिल रहे हैं, इट मीन के कॉर्निया जो है वो काफी सरफेस जो है वो। सर ये क्रिटोकोनस में हमारे पास स्टीप मायर्स होंगे? नहीं नहीं, क्रिटोकोनस में तो नहीं होता ना, क्रिटोकोनस में देखे ये तो मैंने पहले बताया ये नॉर्मल कॉर्निया के हैं। ये जो एग्जाम्पल आपने मैंने दिया कि ना, यूजुअली क्रिटोकोनस में आपको ऐसे कंडीशन मिलेगा जहाँ पे कॉर्निया स्टीप है तो वहां पे मायर जो है वो ऐसे एक दूसरे के साथ क्लोज आएगा। देखिए समटाइम ओवल शेप, देखिए लाइक नॉट सर्कुलर, समथिंग ओवल शेप मायर्स आपको मिलेंगे।
ठीक है, क्रिटोकोनस में देखें तो कौन जो है यूजुअली डिस्प्ले होता है इनफीरियरली, तो ये भी देखेंगे तो थोड़े से नीचे साइड पर देखें तो बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं स्टीप कॉर्निया को बता रहे हैं, और यहाँ पे सुपीरियरली जो फ्लैट कॉर्निया है वो बता रहे हैं आप जो एग्जैक्टली मैं देखेंगे तो और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्पेरिकल कॉर्निया है, स्पेरिकल कॉर्निया है तो उसका शेप आपको रिंग्स का शेप ऐसे मिलेगा, ठीक है, और जब कोई एस्पेरिक कॉर्निया हो, ठीक है, तो इमेज मार नॉट इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस नहीं होगा, एक जगह पे देखे दूसरी जगह पे देखे तो उसकी क्या होगी डिफरेंस जो है वो थोड़ा सी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अब देखिए ना सुदेश, आपने एग्जांपल के दिए नॉर्मल कॉर्निया, तो नॉर्मल कॉर्निया पे देखें सारे चीजें यहाँ पे देखें देयर इज सम बल्जिंग आउट ऑफ द कॉर्निया, यू नो एबनॉर्मल कॉर्निया ना, यस देखिए इसमें ये बल्जिंग आउट हो चुका है कॉर्निया का, यहाँ पे कॉर्निया बिकम स्टीप, तो मायर्स देखें ना ऊपर, शाबाश बहुत मजे की डायग्राम है, एग्जैक्टली उसकी फोटोकॉपी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्निया बल्ज आउट हो चुका है, स्टीप हो चुका है, पावर ज्यादा हो गया है, तो मायर्स देखें कितने क्लोज क्लोज एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए तो कॉर्निया फ्लैट, जब कॉर्निया फ्लैट है तो आप रिंग्स देखें स्पेस उसमें ज्यादा है, ठीक, दिस इज द बेस्ट थिंग। ये आजकल सर नॉर्मली जी जी नॉर्मली भी तो कॉर्निया स्फेरिक होता है ना, तो फिर हम शेड कैसे करेंगे, यही हम बात करें ना, ये जो है ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में ऑलमोस्ट ऑल लाइनें जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, आप देखें जो स्मॉल स्पेसिटी है, ज्यादा स्पेसिटी नहीं, ये नॉट इक्वल स्पेस, यहाँ पे अगर आप देखें ना इस कंडीशन में आप देखें तो ये ऑलमोस्ट इतनी स्पेसिटी नहीं है, तो देखें तो इस पिक्चर में बहुत मुश्किल से आप डिफरेंस करेंगे, देखें ये वाले, क्योंकि कॉर्निया की स्पेसिटी इतनी कम है, आप उसकी वैल्यू देखेंगे कि वो स्पेसिटी इतनी कम है कि यूजुअली हम प्लेसिडो डिस्क में उसकी जो रेगुलेटरी नजर आ रही है वो नहीं नजर आती, यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल कॉर्निया में भी आपको नॉर्मल फैशन में नॉर्मल इंडिविजुअल भी आपको ही वो मिलेगा, सर्कुलर ही मिलेगा, बट ये कंडीशन देखें नॉर्मल तो बहुत आसानी से देखें, दिस इज नॉर्मल कॉर्निया, तो ऑलमोस्ट देखें स्पेरिकल, आप कंसिडर करें ऑलमोस्ट स्पेरिकल, बट यहाँ पे देखें तो क्विकली क्वालिटेटिव असेसमेंट करें ना तो बहुत आसानी से पता चलता है कि यहाँ पे देखें देर इज वेरी क्लोजनिंग ऑफ दिस मायर्स, ठीक है ना। ये देखें दिस इज द नॉर्मल कॉर्निया, नॉर्मल कॉर्निया देखे ना अनम, यूजुअली पता नहीं चलता है, बस हम कंसिडर करते कि यार दिस इज नॉर्मल ऑलमोस्ट स्फेरिकल, यहाँ पे आ जाए सेंटर में देखे पेरिफेरी में ठीक है, पेरिफेरी में सारी चीजें ठीक है, सेंटर में तो एक बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, और किसी जगह पे देखे ये तो मायर एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो चुके हैं, यहाँ पे इस साइड पे यहाँ से दूर होते हैं, देखिए अगर ऐसे पैटर्न आपको मिल रहे प्लेसिडो डिस्क पे कि पेरिफेरी में ठीक है, सेंट्रल एरिया में डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा है, क्यों सही तरीके से मार्ज नहीं बनते, इररेगुलर सरफेस हो गया, और एक जगह पे बहुत ज्यादा क्लोज और दूसरी जगह पे एक दूसरे से फार अवे, दिस इज द टिपिकल साइन ऑफ क्रिटोकोनस इन प्लेसिडो डिस्क, तो प्लेसिडो डिस्क में आपको क्रिटोकोनस लुक लाइक दिस, सेंट्रल एरिया थिनिंग हो रही है ऐसे, ये कि आप अगर पीएमडी वाला देखिए ना पेलोसिड मार्जिन डिजनरेशन, तो उसमें ये एरिया यहाँ पे एरिया पे आपको डिस्टॉर्टेड मायर्स भी मिलेगा, और यहाँ पे जो है अनइक्वल स्पेसिंग आपको मिलेगा, अनइक्वल स्पेसिंग, तो डिस्टॉर्शन ऑफ द मायर्स अनइक्वल स्पेसिंग बिटवीन द मायर्स द टिपिकल साइन के कॉर्निया जो है सरफेस जो है वो इररेगुलर। देखिए सम पीपल यूज दिस रिंग सेफ्टी पेन सिलेंड्रिकल क्रिटोस्कोप बेल्ट प्लस प्लस लॉलीपॉप वगैरह टाइप चीजें जो है ये भी हम कॉर्निक एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं, वही सेम कंसेप्ट, लेकिन अगर देखें अगर कोई कॉर्निया स्फेरिकल है ना ये जितनी भी स्ट्रक्चर यूज करें ये भी आपका स्फेरिकल मिलेगा, ये भी स्फेरिकल मिलेगा, ठीक है, सो दीज ऑल स्ट्रक्चर विल बी स्फेरिकल इफ द कॉर्निया स्फेरिकल एंड रेगुलर, लेकिन अगर नहीं है तो सारे चीजें ये देखिए ये वाला जितनी भी मायर्स वगैरह है ये आपको डिस्टॉर्टेड ही मिलेगा, सो कंसेप्ट इज द सेम बट पीपल यूज डिफरेंट प्रोसीजर। ये जो नाइडिक्सन फोटोक्रिटोस्कोप है ये भी एक्चुअल ये प्लेसिडो डिस्क के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, ये देखिए आजकल जो नया क्रिटोमीटर है उसमें भी ये सारी चीजें प्लेसिडो डिस्क का कॉन्सेप्ट आज भी यहाँ पे मौजूद है, अभी हम जो आजकल की तरफ जा रहे हैं मॉडर्न में आपके साथ जरा डिटेल से डिस्कस करो तो स्पेशली पेंटाकॉम है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी प्लेसिडो डिस्क का सिस्टम बन चुका है, लेकिन प्लेसिडो डिस्क का क्या लिमिटेशन है, ओनली प्लेसिडो डिस्क का लिमिटेशन,
एटमिस डेटा इन सेंट्रल कॉर्निया, एटमिस डेटा इन सम सेंट्रल कॉर्निया, सम सेंट्रल कॉर्निया डेटा को ये मिस कर रहे हैं। अब देखेंगे कैसे मिस कर रहे हैं। ये जो डिस्टॉर्शन वगैरह बता रहे तो बाकी तो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, तो इस इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। इट ओनली रिक्वायर टू लिमिटेड डेटा पॉइंट, ठीक है, ये ओनली स्पेसिफिक पॉइंट से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल सर्फिस, लाइक सपोज बैक सर्फिस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये ओनली इंटीरियर सर्फिस की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा, ठीक है। स्लोप नॉट हाइट, ये कोई भी चीज़ आपको हाइट वगैरह मेजर नहीं करते कि कॉर्निया कितना एलिवेट है एक सर्फिस से, कितना डाउन है, जो कि हम बेस्ट पेट स्पीयर की थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। डिफिकल्ट टू फोकस इन लाइन, फोकसिंग और लाइन में मसला होता है, स्पेशली अगर कॉर्निया सर्फिस में इरेगुलरिटी ज्यादा है। एंड मोस्ट टोपोग्राफ द पेशेंट इज एक्सपोज टू हाई लाइट, ठीक है, इसमें हाई लाइट की अक्सर जरूरत है जो कि टॉलरेट नहीं हो सकता पेशेंट से। ओके, अभी हमारे वीडियो क्रेटोस्कोप, तो वीडियो क्रेटोस्कोप बेसिकली है क्या, दिस इज सम कंप्यूटराइज वीडियो क्रेटोस्कोप, वही क्रेटोस्कोप जिसके साथ मैंने कहा कि वीडियोस क्या क्या है, इसके साथ हमने वीडियो कैमरा वगैरह अटैच किया उसके साथ पर कंप्यूटर, तो बेसिकली मैं अगर उसको ओवर व्यू दूं कि वीडियो क्रेटोस्कोप क्या होता है, ये भी बेसिकली वही डिटेल, वही कॉर्निया सर्फिस डिटेल को परसीव करता है, उसको रिसीव करता है, और कंप्यूटर जो है वो फिर इसको सारे चीजों को सॉफ्टवेयर के जरिए से इसको एनालिसिस किया जाता है कि इसकी अगर ये इसकी थिकनेस, इसकी स्पेसिंग कितनी है तो पावर कितना होगा कॉर्निया का, अगर इसकी स्पेसिंग ज्यादा है तो कॉर्निया के पावर के, तो ये सारा डिटेल जो है फिर वो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। तो यूजुअली क्या करता है ये वीडियो क्रेटोस्कोप, क्या कहता है, कैप्चर द क्रेटोस्कोपिक डिटेल आउट ऑफ द वीडियो एंड डिस्प्ले, ये वही क्रेटोस्कोपिक डिटेल जो इसको कैप्चर करते हैं फिर वीडियो और डिस्प्ले में आपको शो किया जाता है, और एनालिसिस किया जाता है मल्टीपल एल्गोरिदम, ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे ये मल्टीपल एल्गोरिदम के साथ वो आपकी डेटा जो है वो आपको प्रेजेंट करता है। मेजर लार्ज डेटा मोर पॉइंट, ये मल्टीपल पॉइंट को जो है मल्टीपल पॉइंट से डेटा लेकर उसको मेजर करता है, सो लार्ज कॉर्निया जो है उसको एट अ टाइम एग्जामिन कर सकता है, एंड प्रोड्यूस परमानेंट रिप्रोड्यूसेबल रिकॉर्ड, परमानेंट रिप्रोड्यूसेबल मिसाल ये है कि आप जो है जितने टाइम उसकी वो क्रेटोस्कोपी पेशेंट की रिकॉर्ड देखें तो आपके पास सेम ही आएगा, एक बंदा है दो तीन दफा आप वीडियो क्रेटोस्कोपी से सेम रिकॉर्ड आएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए वो बुलाए, तो इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोग्रेस आ रहा है कोई डिजीज में प्रोग्रेस आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हम उसको आसानी से उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। और दिस इज नाउ अडे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन वीडियो क्रेटोस्कोप, ठीक है। तो देखिए स्क्रिटोमीटर जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, फोटो क्रेटोस्कोप हमें जस्ट इन एरिया का इन्फॉर्मेशन दे रहा था, पेरिफेरी का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन वीडियो क्रेटोस्कोप देखे तो ऑलमोस्ट और ऑल सर्फेस का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। सर जो प्लेसिडो डिस्क है इसको हम कितने डिस्टेंस पे रखते हैं आई? क्या जी सर प्लेसिडो डिस्क को आई से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे जब पेशेंट? बस यूजुअली हम नियर से करते हैं, यूजुअली हमको एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, जहां पे आपको पेशेंट के साथ आप कंफर्टेबल हो आपको सारे मायर्स वगैरह क्लियर नजर आए, तो यूजुअली हम क्लोज डिस्टेंस से करते हैं, बस आप ऐसे करेंगे कि तकरीबन 50 या 40 सेंटीमीटर से आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है। ओके, टाइप ऑफ कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफर, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन बेस है एक प्रोजेक्शन बेस, जैसे अरीज ने एग्जांपल क्वेश्चन किया था कि रिफ्लेक्शन बेस क्या होता है प्रोजेक्शन बेस क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन बेस ये है कि जो प्लेसिडो डिस्क का कंसेप्ट यूज करता है कि वो रिफ्लेक्शन कॉर्निया पे जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन लेकर इस डेटा को एनालिसिस करें, और प्रोजेक्शन बेस क्या है कि उसमें हम मेरे ख्याल में अगर मुझे एक डायग्राम मिल गया वो क्योंकि शायद मैं मुझे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर याद करके मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन का वो एक फोटोग्राफ आपको दिखाऊं कि कैसे प्रोजेक्शन बेस, लेकिन प्रोजेक्शन बेस में क्या है कि उसमें हमारे पास एक ऑलरेडी ग्रिड, यूजुअली ग्रिड क्या होता है आपके एक नेटवर्क नहीं जाल लाइक स्ट्रक्चर, आप ऐसा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट करते हैं ऐसे लगाते हैं, वो एक मशीन जो खुद ये टोपोग्राफर जो है या टोपोग्राफी मशीन जो है वो टोपोग्राफी मशीन से वो इमेज जाता है आई कॉर्निया के ऊपर पड़ता है, वहां पे आपने ऑलरेडी फ्लोरोसिन लगाया स्टेन लगाए हैं, तो फिर उस ग्रेड जो है जो स्ट्रक्चर जो है उसको एनालिसिस किया जाता है कॉर्निया के सरफेस के ऊपर बस, तो दिस इज प्रोजेक्शन बेस। और रिफ्लेक्शन बेस में क्या है कि एक्सट्रापोलेट बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टेड मायर्स, और ये क्या है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कॉर्निया हाइट, डायरेक्ट मेजरमेंट कॉर्निया हाइट की कैसे करते हैं कि जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ गए तो उसके मिल गए कॉर्निया इज एलिवेटेड, जो डाउन है इट मीन कॉर्निया इज बिलो दिस लेवल, ठीक है।
दिस इज मोस्टली कॉमन. प्रोजेक्शन बेस्ड दोबारा एक्सप्लेन कर दें. प्रोजेक्शन बेस्ड वाला. प्रोजेक्शन बेस्ड दोबारा एक्सप्लेन कर दें. प्रोजेक्शन बेस्ड में सिर्फ ये है बेटा, एक मिनट, आप लोग को जब तक मैंने इमेज नहीं दिखाया तो मेरे ख्याल में आप लोग तब भी कंफ्यूज होंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी टाइम. आप लोग बाकी चीज रीड करें, शाबाश. मैं आपको यहाँ से नेट पे इमेज सर्च करके आपको बताऊँ. ठीक है, कि प्रोजेक्शन इमेज में हम एक ग्रिड जो है वो कैसे प्रोजेक्ट करता है कॉर्निया के. अब ये स्क्रीन शो हो रहे? यस सर, हो रहा है. यस, व्हाट इज दिस प्रोजेक्टिंग सिस्टम? में ये ग्रिड होता है. ग्रिड, इस ग्रिड को एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है और उसकी जितने भी प्रोजेक्शन पॉइंट है वो यहाँ से परसीव किया जाता है. कि ये ग्रिड अगर रेगुलर सरफेस है उसके ऊपर, कॉर्नर के ऊपर अगर इररेगुलर है. सो देखिए, एक मजीद मैं आपको साथ पिक्चर शेयर करूँ, मजीद आपको आसान से पता चले. देखें, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग. देखिए, अगर ग्रिड ऐसा बन गया, ऐसे जॉल लाइक नेटवर्क लाइक बन गया, ओ दिस इज समथिंग स्पेरिकल. अगर गड़बड़ उसमें हो गया तो दिस इज समथिंग. मजीद पिक्चर आप देखें तो और भी ये आपके साथ जो है, जैसे देखें समथिंग रेगुलर स्पेसिंग. और एक अहम डायग्राम यहाँ पे ये देखें, समझ आ गया? देखें, ये ग्रिड ऐसा बन गया है, इट मीन समथिंग कॉर्निया है. कॉर्निया की शेप जो है उसने अडॉप्ट किया हुआ है. इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा पिक्चर है, लेकिन देखिए दिस वन, प्रोजेक्शन बेस सिस्टम. दिस इज समथिंग फ्लैट स्क्रीन. ये प्रोजेक्ट किया, सो कॉर्निया के ऊपर देखिए, कॉर्निया जिसने शेप है तो उसी तरह ये बल्ज आउट होगा. बात समझ आ गया? तो प्रोजेक्शन में ये है कि हम कोई भी चीज जो है फ्लैट सर्फेस प्रोजेक्ट करते हैं और उसी प्रोजेक्टेड इमेज को वापस परसीव करके उसके एनालिसिस करते हैं. और उस बेस पे, रिफ्लेक्शन बेस पे, हम सिंपल जो प्लेसीडो डिस्क का जो इमेज वहां पे बन गया उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं. क्लियर? यस सर, समझ आ गया. यस सर. ओके, स्क्रीन दोबारा शो रहे. स्क्रीन शो रहे? यस सर. ओके. Yes, sir, or... तो ये दोनों उसकी कंपैरिजन है कि ये जो है स्फेरिकल बेस एंड लिस्प सरफेस एनालाइज और दिस लार्ज लार्ज एग्जामिनेशन. ये दोनों की फिर आप पढ़ लेंगे, दोनों में क्या कॉन्स एंड प्रॉन्स दोनों की क्या है. ठीक है, अच्छा अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटराइज कॉर्नर टोपोग्राफी. तो कॉर्नर टोपोग्राफी में देखिए, आज जो मॉडर्न टोपोग्राफी सिस्टम है उसमें भी ये प्लेसीडो डिस्क का इफेक्ट होता है, लेकिन साथ साथ में कैमरे भी लगे होते हैं. ठीक है, क्योंकि सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं.
क्या क्या इवेंट होते हैं अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर टोपोग्राफी सिस्टम है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लेसिडो डेस्क रिंग पैटर्न अंडर ऑक्यूपेशन कॉर्निया। देखिए वही प्लेसिडो डेस्क पैटर्न जो है वो पेशेंट के कॉर्निया के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं। आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जिससे ये सारे रिंग्स जो है देखें ये रिंग जो है ये पेशेंट के कॉर्निया के ऊपर उसने एक इमेजेस जो है वो ले लिया। अचीविंग सेंट्रेशन ऑफ द मायर, पेशेंट की उस मायर का सेंट्रेशन लेना है, ठीक है कि मायर एग्जैक्टली इन द सेंटर है कि नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या है, इंस्टेंटेनियस कैप्चरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड मायर बाय हाई रेजोल्यूशन डिजिटल वीडियो कैमरा, और फिर हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरा है उससे उसने इमेज क्या कर दिया है, जो रिफ्लेक्टेड इमेज है उसने उसको कैप्चर कर दिया। ठीक है, 256 सर्कमफेरेंशियल पॉइंट ऑन ईच रिंग आर आइडेंटिफाइड। एक रिंग जो बन गया है उस ईच रिंग में कितने पॉइंट्स है, जरा देखिए 256 सर्कमफेरेंशियल पॉइंट्स जो है ऑन ईच रिंग, ये एक एक रिंग बनता है ना, इस रिंग में इतने पॉइंट्स ये डेटा रिसीव करता है। तो हाउ मच डेटा इट कैन कैप्चर, लॉट ऑफ डेटा। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ ईच पॉइंट इज डन इन प्रोसेसेस, डेटा इज डिस्प्लेड टू कंप्यूटर स्क्रीन इन वेरियस फॉर्मेट। अब जो एक एक डेटा उसने लिया, एक एक पॉइंट का डेटा उसने ले लिया, उस डेटा को क्या किया उसने प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, और इसी डेटा को डिस्प्ले किया है कंप्यूटर स्क्रीन पे, या डिफरेंट कलर मैप से या डिफरेंट शेप से, लेकिन डेटा आपको प्रेजेंट किया। अब वो डेटा जो हमारे लिए प्रेजेंट करते हैं उसको हम देखेंगे कि हम उस डेटा से हमें क्या मीनिंग हासिल कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली ये कंप्यूटर क्या करता है, ये सिस्टम क्या करता है, टोपोग्राफी सिस्टम, ये जो इमेजेस बन गए वहां पे उसने उसके सारे मायर्स जो है जो रिफ्लेक्टेड मायर्स के इमेजेस कैप्चर कर दिया, एंड ईच इवन वन रिंग, अ सिंगल रिंग जो है इस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे उसने डिटेल हासिल किया, वो डिटेल कंप्यूटर ने ले लिया।